नमस्कार। आपने और हमने चंद रोज पहले हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री माननीय जगत सिंह नेगी का बड़ा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सुना, जिसमें वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सेब के आयात पे जो 50 रुपए किलो का शुल्क लगा रखा था उसको घटा करके 35 रुपए कर दिया, 15 रुपए कम कर दिया है। माननीय जगत सिंह नेगी जी, आपने चंद रोज पहले माननीय पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उनके बयान और वक्तव्य नहीं सुने शायद अच्छे से, आप ध्यान से उनको सुन लें, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की कोई भी निर्णय केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। लेकिन बार बार आप ये बयान बोल करके हिमाचल प्रदेश की जनता, यहां के किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और वो इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की एप्पल इकोनॉमी को आप अपने इस कार्यकाल में ठीक तरीके से नहीं संभाल पाए हैं। आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश का सेब का मूल्य किसान तय करेगा, ये पर केजी के हिसाब से सेब की प्रोक्योरमेंट होगी और 20-22 किलो से ऊपर का जो है एप्पल बॉक्स नहीं भरा जाएगा। आपकी सारी बातें झूठी, मनगढ़ंत और बेकार साबित हुई। इस पे किसी एक पे भी निर्णय नहीं हुआ। बागवान सेब बेचने जब मार्केट में जाता है, जब वो मंडियों में जाता है, तो पूरे लॉट में जो प्रीमियम सेब होता है उसका 120-125 रुपए किलो दाम मिलता है, लेकिन बाकी सेब जो है 500 से 1000 रुपए के बीच में पेटी बिक रही है, और पर पेटी जो है 3 से 4 रुपए किलो का जो पर केजी जो उसमें पेटी पे जो कटान हो रहा है, वो काटा जा रहा है, वो सब दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब बातों को डाइवर्ट करने के लिए, इन बातों से ध्यान हटाने के लिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना मंत्री से इस्तीफा लें, या जगत सिंह नेगी जी खुद अपना इस्तीफा दे दें, या वो ये प्रमाणित कर दे, इस तरह का नोटिफिकेशन हमारे को दिखा दें जिसमें जो है 15 रुपए केजी का ये इम्पोर्ट ड्यूटी का प्राइस घटा दिया गया है। दूसरी तरफ बड़े दुख की बात है कि जब हिमाचल प्रदेश से दो दो मंत्री केंद्र में थे, आदमी वीरभद्र सिंह जी आज स्वर्ग में हैं, तब वो स्टील मिनिस्टर थे, माननीय आनंद शर्मा जी तब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन WTO का साइन हुआ, उनका एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये लिखित उन्होंने MOU साइन किया कि 50 रुपए किलो से ऊपर का प्राइस जो है जिस तरह का भी एप्पल इंपोर्ट होगा उसमें नहीं लिया जाएगा। तो आज जो बात वो हमको कह रहे हैं वो उनके एक समय के कार्यकाल में हुई थी, उसकी कागज, उसके नोटिफिकेशन माननीय जगत सिंह नेगी जी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप उनको ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको नहीं समझ आता तो अपने सेक्रेटरी, अपने अधिकारियों से समझा दें, उनको पढ़ा दें, तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। और बड़े दुख की बात है कि चंद रोज पहले माननीय प्रियंका जी यहां पे आई, वो हिमाचल में तब आई जब हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, थोड़े बहुत जो मुख्य रास्ते थे वो खुल गए। हम आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के, आदरणीय नितिन गडकरी जी के, कि जब यहां के किसान, बागवान और आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, बादल फट रहे थे, सड़कें बंद थी, ये दोनों राष्ट्रीय नेता उन सब परिस्थिति में यहां पे आए, लोगों के दुख दर्द को बांटा और दिल्ली जाकर के माननीय मोदी जी से हिमाचल प्रदेश को राहत राशि को भेजा, और उस राहत राशि का भी सदुपयोग ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ठीक से नहीं कर पाई है, जिसका कारण है कि सड़कें यहां पे नहीं बनी, लोगों का सेब जो है मंडियों तक नहीं गया और मजबूरी में लोगों को सेब जो है नदी में बहाना पड़ा। और उस पर भी इस संवेदनशील सरकार, अब असंवेदनशील सरकार की हालत ये देखो कि उस गरीब किसान पे पेनल्टी लगा दी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय जगत सिंह नेगी जी, आपका ओडी का ग्रेडिंग पैकिंग हाउस चल रहा है क्या? आपका जरूर का ग्रेडिंग पैकिंग हाउस चल रहा है क्या? आपका गुमा का ग्रेडिंग पैकिंग हाउस चल रहा है क्या?
आपका रोडू का ग्रेडिंग पैकिंग हाउस चल रहा है क्या? आपका कोई भी ग्रेडिंग पैकिंग हाउस ना सेव पैदा ना ग्रेड कर रहा है, ना सीए स्टोर में डाल रहा है। जब इन सब चीजों का दबाव आम किसानों बागवानों का आप पे पड़ा, तो इस तरह की गुमराह करने वाला बयान आप बार बार दे करके आप हिमाचल की जनता को यहां के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे इस्तीफे की मांग करता हूं इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए, और ये अपेक्षा करता हूं कि आप आम लोगों के बीच जाकर के इन सब ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेस को लोगों को चलाने के लिए वर्केबल करेंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा 50% से ऊपर का सीजन लोगों का बीत चुका है, और आज उनके पास प्राइवेट लोगों के पास ग्रेडिंग पैकिंग को जाने के अलावा सरकारी मशीन पे जाने का कोई उनके पास रास्ता नजर नहीं आ रहा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।